डियर स्टूडेंट्स, हम आपको क्लास वन के इंग्लिश का यूनिट एट का हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। पार्ट टू है द टाइगर एंड द मॉस्किटो। ये इसके आगे हम देखेंगे, ए टाइगर वाज डजिंग अंडर ए ट्री। एक बाघ एक पेड़ के नीचे उग रहा था, मतलब सो रहा था। ए मॉस्किटो कैम बजिंग बाई, ए मॉस्किटो कैम बजिंग बाई द टाइगर सेड। भिन बनाता हुआ एक वहाँ पर मच्छर आया। हे मॉस्किटो गो अवे, बाघ ने कहा मच्छर से भागो यहाँ से। द मॉस्किटो सेड, द मॉस्किटो सेड वाई शुड आई गो अवे। द मॉस्किटो सेड वाई शुड आई गो अवे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मच्छर ने कहा मुझे यहाँ से क्यों जाना चाहिए, मैं तुमसे नहीं डरता। किससे बोला उसने, बाघ से। द टाइगर वाज एंग्री, द टाइगर वाज एंग्री, ही हिट आउट विथ हिज पे। बाघ क्रोधित हो गया, हो उठा, उसने मच्छर को अपने पंजे से मारा। उसके बाद है द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, द पॉ स्ट्रक हिज ऑन चिक। मच्छर वहां से उड़ गया, बाघ का पंजा उसके अपने ही गाल पे पड़ा। द ब्लॉ स्क्रेप द हिज चिक, इट बिगेन टू ब्लीड। द मॉस्किटो फ्ली ऑफ द पे स्टिक हिज ऑन चिक। मच्छर उड़ गया, बाघ का पंजा उसके अपने ही गाल पे पड़ा। द ब्लॉ स्क्रेप हिज चिक, द ब्लॉ स्क्रेप हिज चीक, इट बिगेन टू ब्लीड। उससे उसका गाल छिल गया तथा उससे खून निकलने लगा। द मॉस्किटो बजेड अवे, मच्छर भिनभिनाता हुआ उड़ गया। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज आर्थर पा, बाघ ने दूसरे पंजे का प्रयोग किया। द मॉस्किटो फ्ली ऑफ, मच्छर उड़ गया। द टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, इस बार भी उसने स्वयं को ही तमाचा मारा। किसने, बाघ ने। द टाइगर वाज हेल्पलेस, द टाइगर वाज हेल्पलेस, बाघ असहाय सा हो गया। द मॉस्किटो कंटिन्यूएटेड टू बज, मच्छर ने अपनी भिनभिनाहट जारी रखी। द टाइगर गॉट अप एंड क्विकली वॉकेड अवे, बाघ उठा और धीरे धीरे वहां से चला गया। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, मच्छर ने जाते हुए बाघ के पीछे से कहा। डू नॉट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरी वन हीज ग्रेट इन हीज ऑन अवे वे।
मच्छर ने जाते हुए भाग के पीछे से क्या कहा, ज्यादा घमंड मत करो दोस्त, हर आदमी अपने विशिष्ट गुणों से कारण बड़ा होता है, अपने गुण के कारण ही बड़ा होता है। हमने आपको हिंदी ट्रांसलेट करके दिखाया, लिखाया और पढ़ाया, अब इसको आपको याद करना है और लिखना है।